नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता भी शामिल। सरकार ने लोकसभा को बताया पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा रुपया अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। फीफा ने नीदरलैंड्स के साथ क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और कर्मचारियों के आचरण पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधीनगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री पटेल को शपथ दिलाई। हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, हमें सौगंध लऊं छू के ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित हैं। इस दौरान नई मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलाई जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री डॉ भगवत कराड़ ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। श्री कराड़ ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक तथा विकास प्राधिकरण PFRDA को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि PFRDA अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में कहा कि भारतीय रुपया अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि डॉलर और रुपये में उतार चढ़ाव का असर अर्थव्यवस्था पर न पड़े, इसके लिए रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज पैंडेमिक हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कितने लोग को जलन हो रही है, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। सरकार ने कहा है कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस महीने की पहली तारीख तक शिक्षकों के 6,180 पद खाली पड़े हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इन विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से स्वीकृत 18,956 शिक्षण पदों में से 12,776 पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 2,000 रिक्त पद भरे गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रिक्त 30% पदों पर भर्ती के प्रयास किए जा रहे हैं।
देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है। उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है एक साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में, उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि करेंसी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र हटाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पहले ही स्पष्ट किया है कि मौजूदा करेंसी नोटों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य डिम्पल यादव ने आज शपथ ले ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। डिम्पल यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर राज्यसभा सदस्य पीटी उषा को बधाई दी। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही श्री धनखड़ ने कहा कि पीटी उषा को देश का हर नागरिक पहचानता है और वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ओलंपिक खिलाड़ी हैं। अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित पीटी उषा खेल और खेल शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश भर में 10 करोड़ 68 लाख से अधिक परिवारों तक नल से जल कनेक्शन दिया गया है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज राज्यसभा में बताया कि जल जीवन मिशन की शुरुआत में 15 अगस्त 2019 तक 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन दिए गए थे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज शीर्ष न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की मौजूदगी में न्यायमूर्ति दत्ता को शपथ दिलाई। सरकार ने आज इस दावे को इसे खारिज कर दिया है कि पिछले 8 वर्ष में प्रवर्तन निदेशालय ने राजनीति से जुड़े 3000 लोगों के यहां छापे मारे हैं। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि लोग सोशल मीडिया पर कई दावे करते हैं जिनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं होता। श्री सिंह की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदस्यों को प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर टिप्पणियां करनी चाहिए और तथ्यों को सदन में रखना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर। 8700001-4242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिक भीड़ की शिकायतों के बाद आज सुबह टर्मिनल 3 का औचक दौरा किया। उन्होंने हवाई अड्डे के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और कर्मियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड कार्यालय में संबंधित पक्षों के साथ बैठक की। बैठक में समस्या से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। श्री सिंधिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर प्रवेश द्वारों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा समय बताने वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। आज हमने 16 गेट पैसेंजर्स के लिए कर लिए हैं और 2 गेट क्रू और दिव्यांग के लिए हमने रखे हैं। सर्वेक्षण के बाद हमने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग रखी एयरपोर्ट के अंदर ही, जिसमें बीकैश, सीआईएसएफ, डीजीसीए, हमारे सारे एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे एयरपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव सब साथ में थे और हमने मिलकर ये निर्णय लिया है और निर्देश मैंने दिए हैं कि हर गेट के ऊपर एक बोर्ड लगना चाहिए। वो बोर्ड बताना चाहिए कि हर गेट पे वेटिंग टाइम क्या है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि काशी तमिल संगम खेलों के साथ सांस्कृतिक विरासत की आदान प्रदान को भी प्रोत्साहन दे रहा है। काशी तमिल संगम से अलग उन्होंने वाराणसी में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की टीमों के बीच टेबल टेनिस मैत्री टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु की सदियों पुरानी मैत्री को संगम के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्य समूह की चार दिन की बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। भारत इस बैठक का उपयोग विकासशील देशों, कम विकसित देशों और द्वीप देशों के प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में वित्तीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकसनशील देश, कम विकसित देश तथा अन्य छोटे देशों के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठकों का आयोजन किया जाता है। बाली में अगस्त में हुई तीसरी G20 के दौरान डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में G20 के अहम समझौतों पर चर्चा हुई और उन्हें अंतिम स्वरूप दिया गया। भारत के अध्यक्षता में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कल से 16 दिसंबर के दौरान मुंबई में होगी। इस बैठक में डेटा फॉर डेवलपमेंट 2030 का एजेंडा साध्य करने के लिए G20 की भूमिका, हरित विकास में नई जीवन शैली को प्रोत्साहन तथा शाश्वत विकास के लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया गतिमान करना आदि विषयों पर चर्चा होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखने के लिए प्रोत्साहित किया है। पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी के संदेश पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो यात्रा के अनुभव को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा मठ की प्रमुख प्रव्रजिका भक्ति प्रण माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रव्रजिका भक्ति प्रण माताजी श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के माध्यम से जनसेवा के अपने प्रयासों के लिए याद की जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का कल सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। ये चंद्रयान अप्रैल 2023 के आसपास चंद्रमा पर पहुंचेगा। फीफा विश्व कप में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना के बीच क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान हुए विवाद के बाद फीफा ने अर्जेंटीना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। मैचों में आदेश और सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए अर्जेंटीना फुटबॉल महासंघ को कार्रवाई का नोटिस दिया गया है। मैच के अंतिम चरण में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच टकराव के बाद लियोनेल मेस्सी सहित अर्जेंटीना के 17 खिलाड़ियों और टीम के मुख्य कोच स्कालोनी को खेल के दौरान या बाद में पीले कार्ड दिखाए गए थे। मैच के अंतिम क्षणों में नीदरलैंड्स की ओर से 2 गोल दागे जाने के बाद अर्जेंटीना के अतिरिक्त खिलाड़ी और मुख्य कोच मैदान में घुस आए। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना की जीत के बाद दोनों टीमों के बीच टकराव तेज हो गया। हालांकि फीफा ने इस मामले में फैसले की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। मुंबई में दूसरे G20 महिला क्रिकेट में कल भारत ने सुपर ओवर के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर आ गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में स्वास्थ्य और आरोग्य में आयुर्वेद की भूमिका पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक तनुजा नेसारी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता भी शामिल। सरकार ने लोकसभा को बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा रुपया अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। फीफा ने नीदरलैंड्स के साथ क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और कर्मचारियों के आचरण पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।